ये पॉलिथीन भी अपने पास रखिए, इसे ये भूल सकते हैं आप, समझ रहे हैं? और पहनने, अरे दूसरी ले लीजिए, पहन दीजिए मम्मी की भी। ये जो सिलाई है, ये सिलाई देख रहे हैं ना, ये नीचे होनी चाहिए, ठीक है? थोड़ा दूर हो जाइए तो मैं दो मिनट बात कर लिया। आप बीज आज इधर आइए, आ जाओ बेटा, आओ, ये लो, आओ। कोरोना बहुत फैल गया है, समझ रहे ना? अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली जो है आपको मास्क नहीं मिला। ये लीजिए बेटा, पहना दो मम्मा को, ये लीजिए फोन पे पहना दिया। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, समझ रहे हम, बेंगलोर, हर जगह जो है बहुत तबाही हुई है। सुनामी आई थी और बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग ऑक्सीजन नहीं मिला, बहुत लोगों को बेड नहीं मिला, बहुत लोगों को दवाइयां नहीं मिली। अब जो है देश सरकार ये कह रही है कि कोरोना का पीक आ गया है, तो पीक नहीं आया है, अब जो है कोरोना गांवों में घुस गया है, समझ रहे हैं? हमारे यूपी बिहार में गांवों में हर रोज 7 से 10 लोगों की मौत हो जा रही है एक गाँव में। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे 50 साल से ऊपर लोग बचे ही नहीं हैं। तो आपको, हमारे पास कोरोना की कोई दवा नहीं है, जान लीजिएगा। तो आपको बस हाथ धोते रहना है, अच्छी तरीके से हाथ धोना है ना, हाथ धोना है, मास्क पहनना है और थोड़ा दूरी पे रहना है। अब घर में 10-12 लोग हैं, छोटा सा घर है तो बहुत 6 फीट की दूरी तो नहीं रह सकते, लेकिन दूर दूर रहना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या लक्षण इसके हैं। अगर सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, गले में दर्द हो, शरीर में लाली आ रही हो, पेट में दर्द, खासकर बच्चों में सिर्फ उल्टी दस्त से पता चल जा रहा है, तो उल्टी दस्त हो, तुम्हारे बदन में दर्द हो, सर में बहुत दर्द हो, और कई लोगों को सिर्फ आँख में लाली हो जाएगी। देखिए, मास्क के बिना नहीं पहन खड़े होइए, मास्क पहनिए, दोनों लोग मास्क पहनिए। तो कई लोगों में सिर्फ आंख में लाली आ जा रही है, वही जो है कोरोना मान लिया जा रहा है। समझ जाना कम हो गया है, फिर यहाँ पे लगाना है, कंप्यूटर की तरह होता है, या तो मुंह में रख लेना है।
अपने आप ही जो है दो मिनट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही टू 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 की आवाज आएगी। अगर 100 लिख के आए तो समझिए बुखार है, 99.5 तो समझिए बुखार नहीं है। पानी पीजिए, और बुखार की दवा तभी खानी है जब 100 से ऊपर बुखार आए। और बुखार आ रहा है तो हो सकता है कोरोना हो इस टाइम पे, तो क्या करना है, टेस्ट कराना है, और देखने के बाद देखो ऐसे बंद कर देना है, ठीक है ना, समझ गए हो, तुम्हारे सुपुर्द कर दें लोग, ठीक है, ठीक है। तो जो है ये आपको करना है, जब अगर आपको ये लक्षण आ रहा है तो जांच कराना है। ये सरपंच जी आपके हैं, ये बताएंगे आपको कि कहाँ पे जांच होगी। अगर जांच में पॉजिटिव आता है तो 90% लोग घर पे ठीक हो सकते हैं, उनको कोई जो है हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझ में आना चाहिए कि कब हॉस्पिटल जाए और घर पे रहे तो क्या करना है। तो घर पे रहे तो बहुत दवाई नहीं खानी है, समझ रहे ना, बहुत ज्यादा दवाई आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये सब प्लाज्मा दवा खाने की जरूरत नहीं है। पैरासिटामोल दवा खाइए, और जब बुखार होता है तो मल्टीविटामिन लीजिए, खूब ढेर सारा पानी पीजिए। तीन मंत्र है कोरोना का, तीन मंत्र। एक तो आराम करना है, खटिया, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, आराम से खटिया डालिए, आराम से सोइए, समझ रहे हैं। दूध दही फल खाइए खूब, और जब बुखार हो तो पैरासिटामोल की दवा लीजिए, ठीक है। इतना पानी पीना है, इतना पानी पीना है जो कोरोना पॉजिटिव हो जाए, कि 3-4 घंटे पे एक बार पेशाब करने जरूर जाना है, क्योंकि कोरोना आपका पानी सूखता है, ठीक है। अब कब डॉक्टर के पास पहुंचना है, जब सेचुरेशन कम हो जाए, जब पल्स ऑक्सीमीटर में 92 से नीचे आएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन सबके पास तो पल्स ऑक्सीमीटर नहीं ना है, तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए आपको 6 मिनट तक जो है ये पहाड़ी परशुराम की ना हर्ष, 6 मिनट तक कहीं भी खुले जो है आप एक्सरसाइज कीजिए, 6 मिनट घड़ी देख के तेज तेज चलेंगे, समझ रहे हैं, और या तो फिर एक्सरसाइज करेंगे। इतना अच्छा मौसम, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी को लंग की बीमारी हो सकती है भाई, इतनी देखो वादी है। तो 6 मिनट तक अगर आप चल लेते हैं तो समझिए आपका छाती, आपका लंग ठीक है, समझ रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि सांस, मुंह खोल के सांस लीजिए और रोक लीजिए। अगर 25 सेकंड 30 सेकंड तक रोक सकते हैं तो समझ लीजिए आपकी छाती ठीक है। अगर आपने 10 सेकंड के बाद फूंकना पड़े और सांस लेना पड़े तो समझिए कुछ गड़बड़ है, तो डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको बुखार 103-104 5-6 दिन के बाद भी आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपकी उल्टी दस्त एकदम बंद नहीं हो रही है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपका सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। काला फंगस, ब्लैक फंगस आ गया है जो लोगों को मार रहा है, तो ये पहली बात तो दिमाग से निकाल दिएगा कि अगर इनको अगर ब्लैक फंगस हो गया है तो आपको भी हो जाएगा। वो एक दूसरे से फैलता नहीं है, ज़्यादा दिन तक दे दी गई हो, इसके अलावा महंगी वाली दवा जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, जैसे चलो सिलोजुमैब वगैरह दवा जो है वो दे दी गई है। क्या होता है, काला काला आपको क्या होगा, नाक आपकी बंद होगी, ये साइनस यहाँ पे, यहाँ यहाँ करोगे तो दर्द आता है, यहाँ पे साइनस के पोर्स होते हैं जहाँ से घुसता है ये। आपके आँख में लाली दिखाई देगी, आपका आँख का लक्षण हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाइए। आपको हो सकता है लोगों की आँख तक निकालनी पड़ी है, दिमाग में घुस गया,
है तो आओ, चलो आज तुमको साबुन दिया है ना, आ गया, चलो हाथ धुल के दिखाओ। हाथ धुलना जो है 6 स्टेप जो है वो जरूरी है, समझ गए? बोलो ना। 20 से 40 सेकंड तक आपको हाथ धुलता है जरूरी। पानी को दे दे। पहले अच्छी तरह से झाग बना लेना है, ठीक है? देखो, भाई पहले एक आप लोग भी समझिएगा, एक सरपंजी आप भी सीख लीजिए, आप लोग गांव को सिखाइएगा, आपकी जिम्मेदारी है। एक यानी कि आगे आगे, पीछे दो, दोनों तरफ पीछे तीन, ये ऐसे करो। हाँ, ये नकल, ये जो होता है ना नकल्स, ये तीन चार है, या जो नाखून के अंदर की गंदगी होती है, चार गोल 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 ऐसे घुमाना है। पांच, ये अंगूठा, बाकी सारी उंगली कर लोगे तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात होती है। और छठवां है ये कलाई। 6 स्टेप करना है 20 से 40 सेकंड तक कहते हैं ये, और फिर पानी अच्छे साफ पानी से धो लेना है। में जो है कोरोना से ज्यादा, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे लोग कह रहे हैं कोरोना से ज्यादा तो हमको गरीबी मार देती है, भुखमरी मार देती है। अगर सरकारी रिकॉर्ड की बात ना कीजिए तो आपको समझ लीजिए 10 गुना ज्यादा लोग मरे हैं, 10 गुना ज्यादा लोग। नदियों में लाशें मिल रही हैं, लोगों के पास लकड़ी नहीं है, हमारे यूपी बिहार की तरफ की जो है उनको, लोगों को दफनाना, जमीन के अंदर गाड़ना पड़ रहा है। तो ये त्रासदी हो गई है, पूरे पूरा गाँव जो है बहुत बुरा हो रहा है। तो क्या है, सुरक्षा है, जान लीजिए, टीका जरूर लगवाइए। जो टीके के बारे में मिसकंसेप्शन है, जो अफवाह फैलाई जा रही है कि वो नापुंसकता करता है, वो आपका जेनेटिक चेंज कर देगा, वो टीका लगाने के बाद भी कोरोना हो जा रहा है, ये सब बातें गलत हैं। 18 करोड़ लोगों को देश में, 18 करोड़ लोगों को टीका लगा चुके हैं। टीका लगाना जरूरी है, मास्क टीका लगाने के बाद भी पहनने रहना है, समझ रहे हैं? मास्क पहनना जरूरी है, हाथ जैसे बताया है धुलना, वो धुलना जरूरी है। सिखाओगे ना? क्या नाम है तुम्हारा? मनोज सिखाएगा ये, तब पूरे गांव को सरपंच सिखाएंगे। तो हाथ जो है धुलना जरूरी है।